नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ दीपिका सिंघल। इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। आपको बताएं कि जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट की बाड़मेर में कार्रवाई, बालोतरा नगर पालिका ईओ को दबोचा है एसीबी ने। ये बड़ी खबर, जोधाराम को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। पट्टा देने के एवज में घूस मांगी थी। एसीबी एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने दिया कार्रवाई को अंजाम, तो ये बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट की बाड़मेर में कार्रवाई देखने को मिली है। बालोतरा नगर पालिका ईओ को एसीबी ने दबोचा है। जोधाराम को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बड़ी कार्रवाई है, हालांकि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कैसे ईओ को ट्रैप किया गया, पूरी जानकारी चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे नवीन का। लेकिन ये बड़ी खबर है, ईओ को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। दरअसल पट्टा देने की एवज में घूस मांगी थी ईओ ने। एसीबी एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट की बाड़मेर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो रिश्वत खोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जो काम के एवज में रिश्वत मांगते हैं वो एसीबी उन पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईओ को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। तो देखिए, बालोतरा नगर पालिका ईओ को दबोचा है एसीबी ने। जोधाराम को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओ को एसीबी ने ट्रैप किया है, कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कब कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, पूरी जानकारी। देखिए, वाकई एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट ने बाड़मेर के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और वहाँ की नगर पालिका ईओ बालोतरा, वहाँ के ईओ अधिशासी अधिकारी जोधाराम को एसीबी ने ट्रैप किया है। 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल एक परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बिल्डिंग का एक कॉमर्शियल पट्टा लेना था उसे, और कॉमर्शियल पट्टा देने की एवज में उससे 1,00,000 रुपए की डिमांड की गई थी। एसीबी ने गोपनीय वेरिफिकेशन करवा और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और पट्टा देने की एवज में जोधाराम है, जो नगर पालिका ईओ बालोतरा, उसको ट्रैप किया गया है। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के ठिकाने हैं, वहां पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, घर की तलाशी ले रही है। घर की तलाशी में क्या कुछ निकलता है देखने वाली बात होगी। एसीबी के एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजीपी एल सोनी और एडीजी दिनेश अमन, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी दीपिका, नवीन, ईओ से पूछताछ की जा रही है अभी, और ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है, तो क्या एक बार में ही पूरी रिश्वत ली गई थी या फिर कई बार में इस रकम को लिया गया था? देखिए, बिल्कुल लगातार एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। आपको बता दूं कि 1,00,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। इसके अंदर शायद 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने जो आरोपी जोधाराम है उसको ट्रैप किया है। साथ ही एसीबी की टीम लगातार जो आरोपी जोधाराम है उससे पूछताछ कर रही है, और बैक टू बैक एसीबी की टीम पूरे प्रदेश भर में काम कर रही है। हर दिन एक या दो घूसखोरों को एसीबी की टीम दबोच रही है। लेकिन ये जो घूसखोर है, ये जो घूसखोर अधिकारी है, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश अमन, वो लगातार उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस तरह से मैंडेट है, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उसी क्रम में एसीबी लगातार काम कर रही है और घूसखोरों को पकड़ रही है, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे रिश्वत मांगने वाला अधिकारी छोटा हो चाहे वो रिश्वत मांगने वाला अधिकारी बड़ा हो। अब एसीबी किसी भी घूसखोर को बिल्कुल रिश्वतखोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नवीन, एक और जानकारी आपसे कि नगर पालिका ईओ ही सिर्फ इस रिश्वतखोरी में शामिल है या फिर किसी अन्य का नाम भी सामने आ रहा है? एक अभी तक फिलहाल जो फर्स्ट इनपुट हमारे पास आया उसके अंदर नगर पालिका ईओ है, उसी की भूमिका थी और उसी ने ही रिश्वत की डिमांड की थी। तो एसीबी ने जो नगर पालिका ईओ है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम जोधाराम है, वो ट्रैप हो चुके हैं। जोधपुर एसीबी स्पेशल यूनिट ने बाड़मेर में जाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ठीक है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एसीबी की तरफ से। बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर जोधाराम को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है एसीबी ने।